नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। बनाकर थाना पुलिस ने केती की तैयारी में जुटे 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 2 दिनों पूर्व पर्यटन क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर से हुई लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन इस बार केती की योजना बनाते हुए पनागर पुलिस द्वारा दबोच लिए गए। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खंडेल ने बताया कि पनागर थाना प्रभारी विजय अंभोरे को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि पनागर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास कुछ युवक संदिग्ध अवस्था में छुपे हुए हैं, जिसके बाद पनागर पुलिस ने मुखबिर के बताए हुए स्थान पर घेराबंदी करते हुए 5 युवक को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए युवकों के नाम सौरभ दीक्षित, गौरव दीक्षित, छोटू उर्फ अभिषेक, विकास उर्फ पिंटू और साहिल डेनियर। वही आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से रोड बका और चाकू जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोग लूट इकेती की घटना को अंजाम देते थे और पर्यटन में ट्रक ड्राइवर से हुई लूट उन्होंने पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से लूटा हुआ मोबाइल और 10,000 नगद रकम भी आरोपियों से बरामद की है। वही पुलिस अब पकड़े गए युवकों से अन्य वारदातों की जानकारियां प्राप्त करने में जुटी हुई है। कल रात्रि की ये घटना है। थाना प्रभारी पनागर विजय अंभोरे को विश्वसनीय मुखबिर से एक सूचना मिली कि वहाँ जो एक रिलायंस पेट्रोल पंप है उसके पास कुछ संदेहजनक व्यक्ति कुछ छिपे हुए दिखाई दिए हैं। इस घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी के द्वारा एक तत्काल एक टीम गठित की गई और थाने की टीम को लेकर वो मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँचे और पहुँचकर उन्होंने घेराबंदी की। घेराबंदी करने पर उन्होंने आड़ लेकर कुछ उनकी जो बातें हैं कुछ वो सुनने का प्रयास भी किया, कुछ उनमें आपस में कुछ डकैती डालने के संबंध में कुछ बातें चल रही थी। उन्होंने तत्काल अपनी घेराबंदी तगड़ी की और उनको घेराबंदी करते हुए अपने कब्जे में लिया, कब्जे में करके उनको पकड़ा। पकड़ने पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम सौरभ दीक्षित और गौरव दीक्षित, इसके अलावा एक छोटू उर्फ अभिषेक, सौरभ सेन, विकास उर्फ पिंटू और एक साहिल डेनियल, ये 6 व्यक्ति अपना इन्होंने अपना नाम बताया, अपना पता भी बताया और इनके कब्जे से घातक धारदार हथियार बका, रॉड, चाकू भी जब्त किए गए हैं और सघन पूछताछ करने पर इन्होंने ये बताया कि परसों 25 तारीख की रात में जो एक पर्यटन के पास में एक ट्रक से जो इन्होंने लूटपाट की थी उस घटना को भी इन्होंने स्वीकार किया और उस ट्रक से जो लूटपाट किया था उसमें जो 10,000 रुपये की लूट और एक मोबाइल ब्लूटूथ इत्यादि जो उन्होंने लूटा था वो भी जब्त कराया, उनसे जब्त हुए हैं और इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें, स्कूटी, ये भी उनसे जब्त हुआ है। और ये जो रिलायंस पेट्रोल पंप की घटना के संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 399 402 भारतीय दंड विधान के तहत जो है इनके विरुद्ध कायमी की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। We'll be right back.